आपकी नवाजिशों का आपने मुझे ये मंच दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हम अपना बचपन जीते हैं, मैं उसी दहलीज से अपनी बात शुरू करता हूँ। कुछ बाल कविताएं, दो बाल कविताएं, उसके बाद थोड़ी सी वयस्क कविताएं। वयस्क नहीं, ठीक है। तो दो बाल कविताएं के, एक बालक है सो रहा है नींद में और उसे उसकी माँ ने जगा दिया है अचानक से, और उस दौरान वो स्वप्न देख रहा था कि अम्मा तुमने जगा दिया, हम देख रहे थे सपना। अम्मा तुमने जगा दिया, हम देख रहे थे सपना, आसमान में निकल पड़े थे लेकर जहाज अपना। अम्मा तुमने जगा दिया, हम देख रहे थे सपना, आसमान में निकल पड़े थे लेकर जहाज अपना। अब होनी थी रेस हमारी चीलों से बाजों से, अब होनी थी रेस हमारी चीलों से बाजों से, आसमान में करतब करते हम आगे बढ़ जाते, चांद सूर्य का हाल जानने उन तक हम बढ़ जाते, उनसे उनका परिचय लेते फिर देते हम अपना। अम्मा तुमने जगा दिया, हम देख रहे थे सपना। एक बार हम निकल जो पड़ते फिर क्या थी बात, एक बार हम निकल जो पड़ते फिर क्या थी बात, सुलझे अनसुलझे रहस्य सब चुटकी में सुलझाते, मंगल पर जीवन श्याम विवर ब्लैक होल, मंगल पर जीवन श्याम विवर सबका राज बताते, अपने आकाश गंगा से बाहर की खबर भी लाकर अंतरिक्ष पर विजय करेंगे हम, नाम करेंगे अपना। अम्मा तुमने जगा दिया, हम देख रहे थे सपना। अभी बाहर, शुक्रिया, अभी बाहर बारिश हो रही थी, तो एक छोटा बच्चा क्या देखता है बारिश में। हम अपने बचपन को ध्यान में लाएं और इन पंक्तियों को सुने कि गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी, गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी, भोर सुहानी बारिश लाई, सुबह ले उड़ा पानी। जब माँ ने जगाया था स्कूल जाने के लिए तो बारिश हो रही थी, तब भोर था, लेकिन जो ही सुबह होती है स्कूल जाने का समय होता है और बारिश बंद। अब उस वक्त बच्चा क्या सोचता है अपने मन में, मेरे हिसाब से आप देखिए कि गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी, भोर सुहानी बारिश लाई, सुबह ले उड़ा पानी। हमने रेनी डे माना था, सपन रह गया बाकी, गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी। सोचे थे स्कूल न जाकर खेलेंगे खाएंगे, पर न तला गया पकौड़ा, ये मिर्ची तीखी लागी, गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी। कागज के जहाज तैरते सिंध बाद बन जाते, मौसम ऐसा दांव दे गया, रह गई सब तैयारी, गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी। अब जाना स्कूल पड़ेगा, होमवर्क का बोझ बढ़ेगा, बस्ते में हो कैद जिंदगी याद दिलाए नानी, गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी। मन बेचारा नाच उठा था क्या क्या स्वप्न जगाकर, नटखट बारिश जाते जाते उन पर फेर गई पानी, गिरती बारिश बजते पत्ते गाती चिड़िया रानी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके भी काबिले बर्दाश्त हूं तो आप भी इजाजत दे दें। दो प्रेम की रचनाएं हैं, गजल की तर्ज में लिखा था, बहर वगैरह आप समझे, मुझे उसका नॉलेज नहीं है। मान जाओ न रूठो यूं हमसे सनम, मान जाओ न रूठो यूं हमसे सनम, टूट जाऊंगा मैं जो अगर तुम गए। वो बच्चा जो अभी बारिश से इल्तिजार कर रहा था बरसने की, अब वो किसी और चीज की करेगा। मान जाओ न रूठो यूं हमसे सनम,
टूट जाऊंगा मैं जो अगर तुम गए, छोड़ जाओगे कैसे मोहब्बत मेरी, मेरा दिल है वहीं पर जहां तुम गए। रोज ख्वाबों में मुझको जगाना तेरा, प्यार न था तो क्या था बताओ मुझे, प्यार का जो नशा तुमने मुझको दिया, जी मैं पाऊंगा कैसे अगर तुम गए। तुमको मालूम नहीं तो बता दू सनम, तुमको मालूम नहीं तो बता दू सनम, हाथ छूटे से रिश्ते नहीं टूटते। तुमको मालूम नहीं तो बता दू सनम, हाथ छूटे से रिश्ते नहीं टूटते, प्यार का जो नशा तुमने मुझको दिया, जी मैं पाऊंगा कैसे अगर तुम गए। आखिरी कि वो वफा वो समर्पण इबादत मेरी, वो वफा वो समर्पण इबादत मेरी, तेरी नजरों में इनकी क्या कीमत नहीं। वो वफा वो समर्पण इबादत मेरी, तेरी नजरों में इनकी क्या कीमत नहीं, क्या कहोगे जो पूछेगा तुमसे जहां, बिन निभाए ये रिश्ता अगर तुम गए। मान जाओ न रूठो यू हमसे सनम, टूट जाऊंगा मैं जो अगर तुम गए। और आखिरी चंद पंक्तियां दूसरे रचना की मैं पेश करके और अपना स्थान लूंगा। गुरूर तुम पर क्यों फबता है कभी आओ बताएं हम, गुरूर तुम पर क्यों फबता है कभी आओ बताएं हम, मुझे क्यों ऐसा लगता है कभी आओ बताएं हम। वो सारी बात महफिल की वो सपने काली रातों के, वो सारी बात महफिल की वो सपने काली रातों के, कभी दहलीज जो लांघो वो अफसाने सुनाएं हम। गुरूर तुम पर क्यों फबता है कभी आओ बताएं हम। तुम्ही क्यों आरजू मेरी, तुम्ही क्यों मेरी महरम हो, मैं कायल क्यों तुम्हारा हूं, जो आओ तो बताएं हम। आखिरी कि महावर मेहंदी काजल लगाऊं तुमको मैं पागल, महावर मेहंदी काजल लगाऊं तुमको मैं पागल, कभी तुम जो इधर आओ तुम्हें जी भर सजाएं हम, कभी तुम जो इधर आओ तुम्हें जी भर सजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।